चिकित्सा शुरू किए और धीरे धीरे अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते गए। चिकित्सा का दौर हमारे प्रतिद्वंदी जो है सो कमलापति शास्त्री थे, वो पहले से ही चिकित्सा करते थे, उनका अच्छा जमाव था, वो हमको आगे बढ़ने से बराबर जो है सो शिकायत किया करते थे, पर हम शिकायत नहीं करते थे, हम जो कमी रहती थी उसकी पूर्ति करते थे और दृढ़ से चिकित्सा करते थे। हमारा यही विचार था कि सभी लोग सुखी रहें, सभी आनंद रहें, मरीज भी आता था तो गरीबों को हम मुफ्त बाद दवा देते थे। इसी तरह से हमारा प्रयास शुरू हुआ और क्रमशः चलता रहा। 1942 में जब अपने जहानाबाद में जो स्थापित के लिए मोगरा बारे में बताई, शुरू में सैदाबाद से कैसे आए? हमारे पिताजी मल्ला बाबू जी परमान मिश्र जो थे वो हमारे बड़े हितक्षु थे, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े। वो घर पर रहते थे तो एनमा के लोग उनको बड़ी परेशान करते थे और उसके बाद भी वो उदासीन रहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे बाबू से कहा कि हमको जहानाबाद दे चलिए, और कुंटा में जो है सो दवा खाना खोला गया जिसको 3 रुपये के महीने पर दवा खाना दिया गया। वहीं हम जो है सो संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, हम फिर उन्हीं के साथ रहने लगे और हम ही खाना वाना बनाते थे, वो तो अपना देहात जाते थे, वो खटोली से या हाथी से बराबर इधर उधर जाते थे और उन्हीं के लालन पालन में हम पढ़े। जब 1942 में अंग्रेजों का यहाँ जमाव हुआ तो हम लोगों को स्नान स्वान करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए फिर जहानाबाद में दुकान लिया गया 3 रुपये के महीने पर। और अंग्रेज लोग के जमाव से क्या कष्ट हुआ? बस ये बाहर में कल था, वहीं पर हम लोग निहाते हुए थे, वहीं पर वो लोग जमे रहते थे और उनका शासन था उस वक्त अंग्रेजों का, इसलिए बड़ी दिक्कत होती थी। जहाने बाद आए आंटी है कि वही आठ एक कमरा लिया रसोई बनाते थे उसमें, और वहीं खाते थे और पढ़ते भी थे, उस वक्त मध्यमा में हम पढ़ते थे। साथ साथ हमने आयुर्वेद का अध्ययन भी उन्हीं से किया, निदान हमने उन्हीं से पढ़े और निदान इस तरह से पढ़ाते थे वो कि जो है सो ये रोग में घटेगा, ये रोग में घटेगा, ये रोग में घटेगा, इस तरह निदान हमारा बहुत पुख्ता रहा और डायग्नोसिस ठीक रही है। अपना चिकित्सा करते गए, आगे बढ़ते गए, यही झंडा चला रहा। अपने जीवन में हमने क्या किया क्या नहीं किया ये तो नहीं पता है हमको, लेकिन हम सदा ये सोचते रहे कि परिवार हमारा समन्वित हो, विद्वान बने और आगे बढ़े, यही क्षेत्र लेकर के हम सदा काम करते रहे। और अब तक भी हमारा यही सिद्धांत है कि इंतिया है कि सभी लोग सुखी रहें, शांत रहें, आपस में किसी तरह की कटुता न हो। जीवन चंद दिनों का है, कटुता से आदमी की आदलाय घटती है, अपमान होता है, इसलिए कटुता पैदा, किसी तरह की कटुता पैदा आपस में न हो और सब लोग मिलजुल करके काम करें। अभी प्रोडक्शन दायित्व है शादी की दायित्व है। ही हम अपने बारे में बोले ना, अपने बारे में बोले। अभी अभी हमारा स्वास्थ्य औषधालय जैसे वहाँ से लेकर के यहाँ आए, हाँ ये दूसरी ओर आए, कैसे मकान बनवाया, हाँ, कैसे क्या था, इसके बारे में बोले। अच्छा, और हमारे में रात्रि हमने जमीन खरीदा ये 2000 रुपये में,
और जमीन खरीदने के बाद 1,32,000 ईंटा पड़वाए और उसी तरह से धीरे धीरे करके इसका निर्माण किया। निर्माण करते रहे और सब काम करते रहते थे। आपकी माँ कहती थी कि पैसा रखिए मत, पैसा गाड़ करके रखिए। और वो बड़ा विदुषी थी और बड़े बड़े अच्छे विचार की थी पिया की। उन्होंने जो कुछ कहा उसको हम पालन करते गए और पालन करने के बाद धीरे 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 मकान वगैरह सब बनाए, लड़कों को पढ़ाया लिखाया। सैदाबाद में जमीन वगैरह कैसे खरीदी? सैदाबाद में जमीन, जहानाबाद में सैदाबाद में जमीन करके पुश्तैनी जमीन हमारे पास 4 बीघा थी, वो धीरे धीरे करके वहाँ लगभग 12-13 बीघा जमीन हमने खरीदा और उसी तरह से चलता रहा। अब तो ये है कि सैदाबाद में रहने वाला कोई आदमी है नहीं, वो दूसरे लोग काम करते हैं और 5-7 परिवार से रहते हैं, अपना वो काम ज़्यादा करते हैं, हमारा काम कम करते हैं। क्योंकि हर जगह स्वास्थ्य है लेकिन क्या करें, हमारे साथ तो मजबूरी है कि कोई देखने वाला नहीं है, सभी लोग बाहर रहते हैं। यही क्रम चलता रहा, अभी तक चल रहा है। हमारा स्वास्थ्य पहले बहुत अच्छा था लेकिन इधर कुछ दिनों से स्वास्थ्य में थोड़ा कमी आ गई है। का रूटीन का रहा है? रूटीन हमारा है कि सवेरे पहर उठने के साथ हम 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और अपना गुरु मंत्र जो है हमारा अष्टाक्षर उसका जाप करते हैं। दूसरा ये है कि सवेरे पहर दुर्गा का कुंजिका स्तोत्र और देव्या कवच ये पढ़ते हैं, उसके बाद गोपाल सहस्रनाम पढ़ते हैं और उसके बाद गायत्री चालीसा पढ़ते हैं और गीता का 2 अध्याय हम नित्य करते हैं। 1 अध्याय शुरू से या 1 अध्याय 18वां अध्याय वो नित्य करते हैं, सुबह भी और शाम को भी, रात के सोते समय भी। रात के सोते समय हमारे जितने पूर्वज हैं उन सबों को प्रणाम कर देते हैं, माँ चाची पत्नी ये सब को प्रणाम कर देते हैं। और जो बुजुर्ग लोग हैं जैसे मणुधारी मिश्र हैं, जैसे सोनमन मिश्र हैं, धनधारी मिश्र हैं, दामोदर हमारे साक्षा वो है, द्वारका वैद्य हमारे यहाँ रहते थे, कन्हैया दयाल तिवारी रहते थे, या जो हमारे गुरु हैं पंडित राम रक्षा मिश्र, विभूति विभूषण द्विवेदी, देवराहा बाबा, श्री राम शर्मा आचार्य और गोरन मिश्र, ये हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु गुजरे हैं, उनको प्रणाम कर करके। और रात को सोने समय 5 बार जो है सो गायत्री मंत्र पढ़ लेते हैं। और कोई नहीं हमारा, ये जितनी संपत्ति है, चल अचल जितनी संपत्ति है वो सब हम आपको अर्पण कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, ये आप आपके जिम्मे हम अर्पण कर रहे हैं। और आज हमारा 8 अध्याय समाप्त हो रहा है, आप ही के अधीन हैं और आप देख करके कोई नहीं हमारा कह करके फिर गायत्री मंत्र पढ़ करके हो जाते हैं। यही सवेरे से भोजन वगैरह के सवेरे जो है के साथ वो भी नृत्य किया, गोपाल सहस्रनाम आदि का पाठ किए और उसके बाद फिर चाय पिए और उसके बाद 200 सेव और थोड़ा सा काजू और थोड़ा किशमिश यही खा लेते थे। और दोपहर में चूहे डायबिटीज और पोस्टल ग्लैंड, 2 बीमारियां हमारी बहुत कठिन बीमारी हो गई, तो पोस्टल ग्लैंड के लिए सबों ने कहा कि तो बिना ऑपरेशन के अच्छा होगा नहीं, लेकिन हमारे मित्र हैं डॉक्टर मोहनलाल पांडे, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी को भी ये बीमारी हुई थी, हमने ये दवाई दिया था, लाभ हुआ।
वही दवाई लिख लिया, वही दवाई खाने से हमारा पोषण जो है ठीक हो गया है। पोषण बड़ी जलन होती है, होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक दवा उसी से ठीक है। दवाई का नाम है ब्रोनिनम, ब्रोनिनम, ब्रोनिनम है वो है दूध दिमाग के लिए, वही दूध दवाई होम्योपैथिक दवाई हम खाते हैं और उसी से लाभ है। इधर परसों से तो हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई, कल तो ऐसा का हो गया कि लगता था कि जान नहीं बचेगी, इतनी बेचैनी थी कि हर एक मिनट भी कहीं बैठ नहीं सकते थे। तो फिर इंजेक्शन वगैरह लिए जिससे लाभ हुआ, और सवेरे भी थोड़ा दर्द शुरू हुआ, चेस्ट में दर्द होता है और बाएँ हाथ में बहुत डरा है, सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर अभी थोड़ा सा देर शुरू हुआ तो इसे बेडना सामा की दवाई है वाली वाली खा लिया है, अभी अभी तबीयत ठीक है। दोपहर में भोजन कर रहे हैं? दोपहर में भोजन प्रायः हम भरपेट कभी नहीं खाते हैं, भरपेट कभी नहीं खाते हैं, खाते हैं रोटी सब्जी दाल दूध, यही हमारा भोजन है। कभी कभी इच्छा हुई शनिवार को खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी हम हमारे लिए बड़ा प्रिय है और बड़े स्वास्थ्य से हम भरपेट खाते हैं, खिचड़ी से हमारी बड़ी रात में भोजन करते हैं, रात में भोजन करते हैं वही रोटी सब्जी और दूध, यही हमारा भोजन है। इसी अर्थ में हमने एक बार श्री राम शर्मा आचार्य का हुआ कि साहब पुराना जनों मंदिर का उद्धार किया जाए, हमारे दिमाग में आया तो हमने गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण किया, वो सहयोग सबका रहा और हम और डॉक्टर अवधेश नित्य वहाँ जाते थे और जितना है जैसे श्रीमद् भागवत देवी भागवत जितना पुराण है वो सब 6 वर्षों में माई को रोज सुनाते थे। हमारा काम था संस्कृत पढ़ना, हाँ गीता का में एक अध्याय रोज ये रोज करते थे, हमारा काम था संस्कृत पढ़ना और डॉक्टर अवधेश का काम था हिंदी का ढंसा उसका अनुवाद करके बनना, 1 घंटा 1.5 घंटा से हम लोग रोज दर्शन थे, 7 बजे जाते थे और 8:30 बजे वहाँ से आरती भी करके चल जाते थे। इधर 5-6 महीने से बरसात यहाँ ज़्यादा हुई इसलिए हम जाना बंद कर दिया और पैर से चलने में था तकलीफ होने लगी इसे जाने में, और रिक्शा उठा मिलने में बड़ी कठिनाई होती है, पहले कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन आज का रिक्शा मिलता ही नहीं है, मिलता है तो तिगुना दाम है। आर्थ संकट भी तो है ही है इसलिए कि पहले कमाते थे खूब, हमको आग हुआ आमदनी नहीं है। अच्छा कौन काम कैली जकरा से बड़ी भारी प्रसन्नता मिलल, सबसे ज्यादा प्रसन्नता कौन काम करे? प्रसन्नता हमको मिली हमारे दल के लोग जो विद्वान हो गए और अपने अपने पैर पर जो खड़े हो गए, इससे बढ़कर क्या कोई प्रसन्नता नहीं है और हम कर ही क्या सकते थे। अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने जगह पर पहुंचा दिया, बच्चे लोग अपने जहाँ तक जैसा आता है वो मदद करते हैं और हम पर बड़ा स्नेह रहता है बच्चों का, बच्चों का बहुत। और तिवारी जी भी जो हैं जो सैराबाद में रहते हैं वो भी बापे की तरह हमको समझते हैं, वो भी बहुत सेवा वाव खूब करते हैं, इस तरह की कमी है और हम भी उनका परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको सब लगा कि हमने नहीं किया, कमी रह गई है? ऐसा कुछ हमको लगता नहीं है, एक दायित्व तो है क्योंकि विजय जी नहीं है, एक दायित्व तो है और उस दायित्व को हम लोग सबको मिलकर के निभाना है, क्योंकि अब मंडी की स्थिति वो नहीं है जो पहले थी, वो बहुत कमज़ोर हो गई है, चिंतित हो गई है, उसके पति विहीन है, 15 वर्ष से वो जो काम में लगी हुई है लगातार, इसलिए उसका शारीरिक क्षमता कम गई है, इसलिए दाई दूर दूर दाई रख रहे हैं जिससे काम चलता जाए। कोई उपहास न करे कि भाई जी पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए,
ये सब कोई ना कह पाए, इसलिए इस उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं।